हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जल एवं जल की कठोरता वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर का पार्ट टू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसका पार्ट वन अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 दिया क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं जिसके कारण कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित का विद्यमान होना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित का विद्यमान होना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीए तथा एमजी के घुले बाइकार्बोनेट, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुले बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुले बाइकार्बोनेट। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण या निम्न में से क्या है। जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण या निम्न में से क्या है, विलायक है, विलयन है, उदासीन है या विलेय है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विलायक है। जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण या विलायक होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल में स्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है। जल में स्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है। जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समांगी मिश्रण बनता है। जल में नमक को विलय करने से एक समांगी मिश्रण बनता है। जैसा कि आपको ये मालूम होगा कि जल में हम जब भी नमक को विलय करते हैं तो एक समांगी मिश्रण बनता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला बता देता हूँ। विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में नाम ना लिखकर सीधे केमिकल फार्मूला लिख दिया जाता है, CaOCl2 लिख दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है परम्यूटेट अथवा जियोलाइट का सूत्र है। परम्यूटेट अथवा जियोलाइट का सूत्र है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये सूत्र थोड़ा लेंदी है और याद करने में थोड़ा टफ भी होगा, लेकिन फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा जरूर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी Na2Al2Si2O8.2H2O। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यौगिक सोडियम जियोलाइट यानी Na2Z। तो फ्रेंड्स ये सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे Na2Z अधिक समय तक प्रयुक्त करने के बाद अप्रभावी हो जाता है। तो इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जाता है, यानी इस यौगिक को पुनः कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स सोडियम जियोलाइट, तो फ्रेंड्स सोडियम आ रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे सोडियम आ रहा है, तो फ्रेंड्स आंसर में भी सोडियम ही आएगा। तो सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, तो फ्रेंड्स आपको Na कहाँ दिख रहा है? केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं और ये आपको इजीली लंबे समय तक याद रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा भी गया है, और फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से पूछा नहीं गया, तो हो सकता है ये इस बार पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि, जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन भी ऊपर पूछा गया था, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। इसमें पूछ लिया कि जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल के अणु में H बॉन्ड O बॉन्ड H बंद होता है, यानी फ्रेंड्स कितने डिग्री का कोण हो सकता है इनमें? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 104°3'। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा कि 104°3'। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समुद्र का जल, यानी समुद्र जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र है, भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो फ्रेंड्स भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ये आपका भारी जल का केमिकल फॉर्मूला होता है, और फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी है, जैसे सिंपल जल का फॉर्मूला पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भारी जल का फॉर्मूला पूछा जाएगा 2O तो होगा ही फ्रेंड्स, बस उसकी जगह आ जाएगा D2O आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चैप्टर के क्वेश्चन तो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको हर एक बार की तरह महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तथ्य बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ये जरूर पढ़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारी जल D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि शुद्ध जल उदासीन होता है तथा इसका pH मान 7 होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कल क्वेश्चन में ही बता दिया था कि शुद्ध जल होता है उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, और इसका pH मान होता है 7। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि धावन सोडा विधि के प्रयोग द्वारा जल की स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि धावन सोडा विधि के प्रयोग द्वारा जल की स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए कि धावन सोडा विधि के प्रयोग द्वारा जल की स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर किया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण यह एक अच्छा विलायक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण यह एक अच्छा विलायक होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 10 ppm इज इक्वल टू होता है 1 degree। 10 ppm इज इक्वल टू होता है 1 degree। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है कि 10 ppm इज इक्वल टू होता है 1 degree। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि समुद्री जल में लवण की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि समुद्री जल में लवण की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जल एक सार्वजनिक विलायक है। जल एक सार्वजनिक विलायक है। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि जल का क्वथनांक 100 degree Celsius तथा गलनांक 0 degree Celsius होता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल का क्वथनांक होता है, यानी पूछ लिया कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए कि जल का क्वथनांक होता है 100 degree Celsius और इसका गलनांक होता है 0 degree Celsius। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कठोर जल का प्रयोग कपड़े धोने व बॉयलर्स में नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स कठोर जल का प्रयोग कपड़े धोने व बॉयलर्स में नहीं किया जा सकता, ये मैंने कल आपको बता ही दिया था। तो फ्रेंड्स ये इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास बुक हो तो चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और चैप्टर के बीच बीच में भी क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, बस आपको क्वेश्चन बनाने की कला आनी चाहिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, अब इतना पढ़ लीजिए तो इसी में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी बता दिया, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये महत्वपूर्ण तथ्य होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो चैप्टर के बीच से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें ही दिया रहता है, और फ्रेंड्स एक आध दो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं और सब क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में चैप्टर के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर पढ़िएगा, महत्वपूर्ण तथ्य को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर जल एवं जल की कठोरता पूर्णतया फिनिश हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर ये पूर्णतया फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।